मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने जबलपुर से चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कमलनाथ ने पनागर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, हम दिल जोड़ने का काम करते हैं। कमलनाथ ने सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागे और पूछा कि 18 सालों में शिवराज सरकार ने क्या किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के राज में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटालों और माफिया राज जमकर पनपा है। यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और मुझे आश्चर्य हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ जो उत्साह और जो जोश है मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आज आम जनता मध्य प्रदेश की, हमारा किसान भटक रहा है, किसान के साथ अन्याय, समर्थन मूल्य की घोषणा होती है पर यहाँ मंडी का क्या हाल है, उप मंडियों का क्या हाल है। आज सब योजनाएं रुकी पड़ी हैं। कर्जा लो, ठेका दो और कमीशन लो, ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बनी हुई है, जनता इसे पहचान रही है।